डीओ ऑफिसर लरविन जी है, आपका स्वागत है सर। कैसा लग रहा है आपको? लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमको खाना बनाना पड़ता है, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो टाइम 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में, 4 घंटा तो खाना बनाने में निकल जाता है। क्या आपके साथ नहीं परेशान? परिवार के पास उपस्थित हूँ, जिस परिवार से एक ही घर से एक भाई और एक बहन, दो लोग ऑफिसर बने हैं बीपीएससी 67, जो 67वां जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आया है, जिसमें अभी हमारे साथ चित्रा जी हैं जिनका डीएसपी पद पे चयनित हुआ है। कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। कितने वर्षों का ये तपस्या आपका सफल हुआ? मेरा इतना वर्षों का तपस्या नहीं है, मैं 20 ईयर में ही फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो ज़्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ उसके लिए प्रिपरेशन पहले से चल रहा था, 1.5 साल 1 साल हो चुका है। मतलब 20 साल के उम्र में जी। बहुत खुशी की बात है कि 20 साल एक मतलब पहले ही जैसे एग्जाम में बैठे वैसे पहली अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के साथ साथ डीएसपी, डायरेक्ट डीएसपी, बहुत अच्छा पोस्ट मिला है। क्योंकि मेरे पास केस में ये है ना कि मेरे को दो ही सर्विस मिल सकती थी, एक डीएसपी और दूसरा जेल सुपरिटेंडेंट, तो मैंने पहला प्रेफरेंस डीएसपी ही दिया था और सेकंड जेल सुपरिटेंडेंट दिया था, तो मुझे डीएसपी मिल गया। आपको पहले सवाल था कि हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार में हम डीएसपी पद के दिखा देंगे, मुझे इतना पता था कि अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो डीएसपी पद पे ही होगा, और हाँ ये तो नहीं था कि इसी बार हो जाएगा।, मैं आगे के लिए भी तैयारी कर रही थी, आगे मेंस लिखना था मुझे, लेकिन अब नहीं लिखना पड़ेगा। बहुत खुशी हो रही है कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल खत्म हो गया। आपके भाई है जो आपसे कितने साल लगभग बड़े? मुझसे 4 साल बड़े। जो इनके भाई है 4 साल बड़े है, और 2 बार एग्जाम में, हाँ उनका 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री उनका हमेशा हो जाता था, मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस बार उन्होंने फर्स्ट, मतलब मेंस उनका फर्स्ट निकला, फिर इंटरव्यू भी निकल गया, नहीं तो मेंस नहीं निकल रहा था। तो आपको बता दी एक और खुशी की बात है कि इनके घर से 3 बीपीएससी के एग्जाम देने वाले 3 स्टूडेंट थे, जिनमें से 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, एक चित्रा जी है, दूसरे लरविन जी है, और तीसरे परवीन जी है। परवीन जी अभी प्रवीण जी नहीं अभी है, लेकिन उनका इंटरव्यू तक वो गए थे, वो भी फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में गए थे, मुझसे बड़े थे, फिर भी हमने साथ ही फॉर्म अप्लाई किया था, फिर ग्रेजुएशन उसी टाइम पर, तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला, और इंटरव्यू में रह गया होगा, अभी मार्कशीट रिलीज होगी तो पता चलेगा कहाँ कमी है, तो वो सुधार करके नेक्स्ट टाइम जी। अभी अभी हमारे साथ डीईओ ऑफिसर लरविन जी हैं, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल। कैसा लग रहा है आपको कि माहौल बहुत गर्मा गर्मी है, खुशी का माहौल है, कई नेता, कई चेयरमैन, कई विधायक आपके दरवाजे पे नतमस्तक हो रहे हैं, आपके यहाँ आ रहे हैं मिलने के लिए, कैसा लग रहा है ये खुशी का माहौल? जब आदमी जो कोई पर्सन जो है अपने लक्ष्य के प्रति जो कार्य करता है उस समय अकेले होता है, अपने संघर्ष को जीता भी है और उसको जी के आगे अपने कमियों को सुधार करते हुए सफलता भी प्राप्त करता है। मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो जो कि कामयाबी शोर मचाए जी, वही चरितार्थ हो रहा है कथन इसमें, क्योंकि देखिए सफलता मिलता है इससे प्रेरणा भी मिलती है कि आगे और बेहतर करने, और आगे जो आपके चैनल पे देखेंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि किया जा सकता है, वो भी कम संसाधन होने के बाद। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल पे, चूंकि हमारा चैनल क्षेत्रीय चैनल है और जहाँ काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तुम स्टूडेंट के लिए क्या संदेश देंगे? मुख्य बात यही है कि जैसे आप कोई भी लक्ष्य तय करते हैं, उस लक्ष्य को तय करने के लिए रणनीति बेहद जरूरी है, रणनीति कारगर होगी तब हो सकता है आप जो अपनी रणनीति पे काम करेंगे कुछ कमियां भी आएंगी, उसको सुधार करते हुए चलना है, और जो लक्ष्य के लिए जो वांछित संसाधन है, संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त अगर आप देखें डाइवर्ट करने वाले संसाधन समाज में बहुत अधिक हो गए हैं, इंटरनेट मीडिया सोशल मीडिया ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, ये सबसे जो भटकाव से बचकर अपने लक्ष्य पर विश्वास करिए, आगे बढ़िए। सारी स्टडी आपकी कहाँ से हुई? शुरुआत में मैं गया था दिल्ली महीना कहा, हाँ तो वहाँ पे गया, लेकिन फिर कोरोना आ गया, वापस आना पड़ा,
यहाँ आया अब यहीं रह गया मैं, फिर उसके मतलब मुख्य तैयारी अब घर से ही हुई, मतलब जितनी तैयारियाँ हुई टोटल घर से हुई। हाँ, शुरुआती गए थे मैं तो वहाँ से, फिर यहाँ आ गया तो यहीं रह गया मैं, और मुख्य तैयारी मेरी यहीं से ऑनलाइन ज्यादा सहारा मिला। आप तीन लोग थे घर में, और लोग थे जी? हम बड़े भाई हैं, ये छोटी बहन है, एक मझले भाई है, मतलब कुल मिला के तीन लोग थे पढ़ने वाले। लोग इंटरव्यू दिए थे, तीनों लोग इंटरव्यू तक पहुंचे। इंटरव्यू के बाद आप दो लोग कामयाबी, फाइनल कामयाबी मिली आप लोगों को। भाई जो अभी सीखते हुए परिवेश में आगे बढ़े, सीखना जी, इसको सीखने की प्रक्रिया ही कहेंगे। जैसे कि मेरा ये तीसरा प्रयास था, दो प्रयास लेकिन आज मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ, तो भाई तो सीधा सीख रहा है, एक उदाहरण भी प्रत्यक्ष रूप से मिला है। घर पे काम रहते थे या नहीं, बच्चे स्टूडेंट लाइफ में लड़का लोगों को या लड़कियों लोगों को एक समस्या आती है कि हमें पढ़ना है, काम नहीं करना है, क्या ऐसा कुछ आपके? नहीं नहीं, देखिए मुख्य यही बात है कि जैसे आप घर पर रहते हैं तो लोग बोलते हैं कि बाहर इसी लिया जाता है कि घर पर ज़्यादा काम हो जाता है और भटक जाता है, तो ये है एक स्रोत, मतलब एक कारक हो गया, लेकिन ऐसा मुख्य कारक नहीं मानना चाहिए इसे। जैसे कि घर में मेरी बहन ही थी, सब काम हाथ बटाते हुए हम लोग भी अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका है खाना बनाती थी कि नहीं? जी तो वही मतलब सारे इकाई के, मैंने बोला कि जैसे इकाई जरूरी है, इकाई में सभी अंगों का काम करना। लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमको खाना बनाना पड़ता है, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो टाइम दो घंटा सुबह में, दो घंटा शाम में, चार घंटा तो खाना बनाने में निकल जाता है। क्या आपके साथ नहीं परेशानी ऐसी आती? होता है, फिर भी हमारे पास 24 घंटे हैं, चार घंटे अगर जा भी रहे तो 20 घंटे हैं ना, उसमें 8 घंटे सोइए, 12 घंटे पढ़िए, 12 घंटे नहीं पढ़ना है, 10 घंटे 8 घंटे आप पढ़ सकते हो, और बीपीएससी वगैरह की तैयारी आप इजिली कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 24 घंटा पढ़ना है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जिए और पढ़ते रहिए। आपके जीवन में लाइब्रेरी का क्या महत्व है? जैसा कि मेरा घर एक लाइब्रेरी है, यहाँ पर सुविधाएं वैसी ही है जैसे कि पर्सनल, सेम टू सेम लाइब्रेरी, मतलब आपके पास जैसे मेरा देखा जा सकता है, तो संसाधन के स्तर पर पिताजी ने कभी कमी होने नहीं दिया, जो बुक चाहिए जैसे हिस्ट्री के हैं तो पांचों प्रकाशन बुक सभी अवेलेबल हैं, तो वो जैसे ये जो बुक रिसोर्स के स्तर पर कमी नहीं हुआ, बाकी जो पढ़ने का माहौल हो रहा है यहाँ पे, शाम रूम ही मेरा समझिए तो लाइब्रेरी था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरीके से दो भाई, एक भाई और एक बहन मिल करके पूरे बिहार का नाम रोशन किए, और साथ ही अपने घर परिवार का तो नाम रोशन हो ही रहा है। चलिए।